भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। साइबर अपराधी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रही है। ये अब खुलेआम ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के तरीके तब सिखाने लगे हैं। दुनिया के किसी एक कोने में बैठकर ये धड़ल्ले से सेक्सटॉर्शन सीखने के तौर तरीकों वाली गाइड की भी ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं। गाइड में बताया जाता है कि ऑनलाइन किस तरह से सुंदर महिला के रूप में पेश होना है, अपने शिकार को धोखे से कैसे यौन सामग्री भेजना है और उन्हें ब्लैकमेल करना है। ऑनलाइन अपराध को अंजाम देने वाले ऐसे ही गिरोह के बारे में हाल ही में लंदन की एक अदालत में सुनवाई के दौरान जानकारी सामने आई है। ब्रिटिश पुलिस ने ऑलमाइड शानू नामक अपराधी को कोर्ट में पेश किया। माना जा रहा है कि ये उस गिरोह का सदस्य है जिसने सेक्सटॉर्शन के जरिए वयस्कों और बच्चों को ब्लैकमेल कर 20 लाख पौंड यानी कि 21.19 करोड़ रुपए वसूले हैं। ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने पिछले महीने देश भर में स्कूलों के लिए अलर्ट जारी किया था और खतरनाक सेक्सटॉर्शन से सतर्क रहने को कहा गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम अफ्रीका खासकर नाइजीरिया स्थिति गिरोह के शिकार होने वाले बच्चों में संख्या जो है तेजी से बढ़ रही है। ब्रिटेन में अक्टूबर 2022 के बाद से सेक्सटॉर्शन का शिकार होने के बाद दो किशोरों ने खुदकुशी कर ली थी। खुफिया पेशेवर और सेक्सटॉर्शन मामलों के विशेषज्ञ पॉल रफाइल ने इस घटना को बच्चों के लिए बहुत खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि पिछले दो वर्षों में साइबर अपराधियों ने ये पता लगाया है कि वो किशोरों को शिकार बनाकर बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।